दिखना दिखना। चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर टू है कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था क्विक रिवीजन करेंगे कल अपन ने पढ़ा था भैया करंट होता क्या इलेक्ट्रिक करंट तो अपन ने पढ़ा था आई होता है डीक्यू बाई डी टी ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन है ना कुलम पर सेकेंड जिसको नाम दे दिया था एम्पियर और ये स्केलर क्वांटिटी है ये पढ़ा था पूरा करंट के बारे में पोटेंशियल के बारे में लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में ही पूरा कंप्लीट किया फिर पढ़ा था अपन ने ओम्स लॉ क्या पढ़ा था ओम्सो वी इज इक्वल टू आई आर ठीक है फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ये आर क्या होता है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी कंडक्टर या रेजिस्टर कितना ज्यादा फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज कर रहा है और ये प्रॉपर्टी का जो टोटल वैल्यू आता है उसको अपन क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है ना और रेजिस्टेंस हो गया आपका वी बाई आई वोल्ट पर एम्पियर वोल्ट पर एम्पियर को नाम दे दिया ओम क्या नाम दे दिया ओम, ओम. वोल्ट पर एम्पियर को ही नाम दिया है ओम मतलब वन ओम क्या होगा वन वोल्ट पर एम्पियर अगर एक वोल्ट देने पर अगर एक एम्पियर का करंट जा रहा है किसी रेजिस्टर से तो उस रेजिस्टर का अपन बोलेंगे रेजिस्टेंस कितना है एक ओम ठीक है ये अपन ने पढ़ लिया था रेजिस्टेंस पूरा ठीक है फिर रेजिस्टेंस कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा है 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 ना और लास्ट था आर टू, रेजिस्टिविटी, नेचर कि कोई भी जो वो वो कितना ज़्यादा करना चाह रहा है। अब जैसे लकड़ी है, वो 100% करेगा चाहे कम लो चाहे ज्यादा लो ऐसा नहीं कि मोटी लकड़ी ले, ले लूंगा तो करंट पास होने लग जाएगा ना 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 वहां एरिया और लेंथ आएंगे ही नहीं रेजिस्टिविटी नेचर अब सिल्वर का सबसे कम रेजिस्टिविटी होता है मतलब वो सबसे कम रोकता है सिल्वर समझ में आया

कौन सा फॉर्मुला आया था जैसे बी इज इक्वल टू आई आर, आर का क्या पुट दिया था? रो, एल बाई ए और बी क्या था ये सब कल किए थे इसलिए फटाफट कर रहा हूं पूरा रिकॉर्डिंग ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं है ना टोटल खाली बार आई बी हुआ है और इज इक्वल टू आई बाई ए करेंट डेंसिटी इन टू रो या फिर रो को इधर लेके आ गए थे तो क्या था वो सिग्मा कंडक्टिविटी तो अपन ने क्या बोला था करंट डेंसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सिग्मा ये था फॉर्मूला जो आपको याद रखना है है ना सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड डालने में करंट फ्लो करेगा तो करंट डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कंडक्टिविटी इनटू कंडक्टिविटी ठीक है सिग्मा और वो रो था रेजिस्टिविटी और ये क्या है कंडक्टिविटी ठीक है चलो दो ही लोग हो और तुम लोग दोनों आपस में खुसूर फुसर कर रहे हो क्या ही मैं बोलू तुम दोनों उठ के बाहर जाओ <laughs> ये, ये बोलू मैं हाँ <laughs> तो क्या कैमरा मूव कर दूंगा उधर बैठ के उठक बैठक करना वहां पर चलो अब रेजिस्टिविटी 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 क्या हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल

तो उसी का जो रेजिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोलेंगे रेजिस्टिविटी क्या बोलेंगे रेजिस्टिविटी ठीक है लिख दूंगा वॉट इज रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड वन मीटर व्हेन करेंट फ्लोज थ्रू अपोजिट फेसेस ठीक है रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड वन मीटर मैन करेंट फ्लो थ्रू इट्स अपोजिट फेसेस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ठीक है ये सारी चीजें हो गई चलो आगे बढ़ते हैं अपन है ना इसके आगे अपन को क्या पढ़ना है अपन इसके आगे पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब होता क्या है देखो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज जो है वो कैसे फ्लो करते हैं में पूरे के पूरे के ऐसे रैंडमली घूम रहे हैं इधर से उधर है ना टकरा टकरा के किसी ना किसी से पार्टिकल से टकरा के घूम रहे हैं तो वो है एक ही जगह ये सेम ऐसा ही हो गया जैसे मान लो आप पार्क में कभी बैठे हो शाम को तो ऐसे मच्छर वाला टाइम है तो मच्छर ऐसे पूरे ऊपर आ जाएंगे मच्छर मक्खी है ना बालों के ऊपर ठीक है अब आपको दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि पूरा रेस्ट पे है बट पास देखोगे तो सब भिन्न भिना रहे होंगे बट एकदम एक ही जगह पे रहे हैं तो आपको लगेगा कहीं वो रेस्ट पे है है ना तो ऐसे ही यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेकिन वो है कहां एक ही जगह एक ही जगह मूव कर रहे हैं बस अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो नेट नेट उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कि मतलब भैया पहले पहले यहां था पार्टिकल तो ऐसे घूम फिर के घूम फिर के यहां थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ फिर घूम फिर के घूम फिर के यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ तो नेट नेट जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स का है ना या आपका करंट की डायरेक्शन में वैसे इलेक्ट्रॉन्स तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसी को अपन क्या बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बात समझ में मैंने कल नहीं बोला था घूम रहे रैंडमली लेकिन अपन उसको सीधा मानेंगे तो इनकी जो नेट स्पीड है ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है छोटे छोटे यहां पर जो इनकी जो नेट स्पीड है उसको अपन क्या बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे डिनोट कर रहे हैं वी डी अब आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि ये जो चार्ज की स्पीड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कितने के आसपास होगी की जो चार्ज अपन क्या बोल रहे हैं करंट क्या है फ्लो चार्ज तो ये जो चार्ज बह रहे हैं इनकी लगभग वेलोसिटी कितने आसपास के आसपास होगी ये कॉपी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वीक में लाइट के स्पीड के बराबर <laughs> दिल थाम ले बैठ जाए अच्छे से अगर खड़े हैं तो कहीं क्योंकि मैं अगर आपको इसका आंसर बताऊंगा तो आप शायद बिलीव ना करें नहीं, नहीं। किसी भी वायर में चार्ज की जो रफ्तार होती है जो ड्रिफ्ट होती है, वो लगभग दो मिलीमीटर पर सेकेंड तीन मिलीमीटर पर सेकेंड मतलब इतनी धीरे फिर आप एक सवाल उठेगा सर क्या सवाल है कि अगर ये जो चार्ज है इसकी स्पीड इतनी धीरे है तो ये बटन चालू करते ही भाई कैसे इतना जल्दी चालू हो जाता है सवाल उठा नहीं उठा होगा नहीं था, था। उठा ना कि जब चार्ज इतने धीरे ड्रिफ्ट हो रहे हैं इतने धीरे ड्रिफ्ट लगभग दो तीन चार पांच दस मिलीमीटर पर सेकेंड तो ऐसा कैसे हो रहा है कि भैया बटन चालू करते ही लाइट चालू हो जा रही है अरबो इलेक्ट्रॉन्स है अब हुआ क्या अब हुआ क्या भैया जैसे ही आपने स्विच ऑन किया स्विच को ऑन किया इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम बन गई एकदम समझ रहे हो एकदम इंस्टेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड से हो गई तो भैया के इलेक्ट्रॉन भी चलना चालू यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी चलना चालू लाइट चालू हो गई बात समझ में आई के चार्ज यहां नहीं पहुंचे समझ में वो पूरे चार्ज एक साथ चलना चालू हो गए तो वहां एनर्जी मिलने लग गई इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर आगे बढ़ते हैं नहीं तो, थे 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 थे। तो बता रहा हूं अभी भी लिख क्या लिखना है वीडियो पॉज करके लिख सकते हो आप लोग है ना ठीक है तो अब देखो निकालना है अपन को वेलोसिटी का तो का फॉर्मुला निकालने के लिए आप क्या समझो उल्टा लेके जाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ठीक है मान लेते हैं कि जो चार्ज की स्पीड है वो वेलासिटी वेलासिटी? कितनी है ड्रिफ्ट vd कितनी है अब यहां पर अपन मान रहे हैं फ्री चार्ज डेंसिटी है n n क्या है फ्री फ्री चार्ज डेंसिटी ठीक है एन क्या है फ्री चार्ज डेंसिटी फ्री चार्ज डेंसिटी मतलब फ्री फ्री चार्ज चार्ज मतलब यह वो ही जो free है घूमने के लिए जो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं वो चार्ज की डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री चार्जेस हैं वो कितने हैं एन सो व्हाट इज एन एन इज फ्री चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बाय वॉल्यूम चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम तो वो क्या मिल जाएगा फ्री चार्ज डेंसिटी फ्री चार्जिटी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, यूनिट पर यूनिट दोनों के हाथ नीचे ठीक है अब मान लो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो है वीडी कितनी है vd मतलब v और d नीचे ड्रिफ्ट बताने के लिए कि वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट ऐसे है, है ना ठीक है v into d नहीं है वो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट है ना चलो अब अब देखो अब क्या है n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अब एक बात बताओ देखो सिंपल सी बात समझना अगर मैं बोलूं कि भैया ये पाइप है है ना यहाँ पर पानी है और पानी तेजी से बाहर आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से बाहर आ रहा है है ना और इसका एरिया है a और यहां पर टू मीटर पर सेकेंड से पानी बाहर आ रहा है तो दस सेकंड में कितना पानी बाहर आएगा तो दो मीटर पर तो दस सेकेंड में कितना 20 मीटर मीटर मतलब यहां पर 20 मीटर लंबाई तक का जितना भी पानी होगा ये पूरा बाहर आ जाएगा क्योंकि तो 10 सेकंड में यहां का जो पानी हो, यहां पहुंच जाएगा जिस स्पीड से जा रहा है यहां का पानी यहां पहुंचा मतलब उसके पहले का पूरा पानी कहां था बाहर निकल चुका है सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे देखना आप मान लो मैं बोल रहा हूं टी टाइम में देख रहे हैं किसमें देख रहे हैं टी टाइम में तो t टाइम में कितना चार्ज यहां से बाहर निकल चुका कि, होगा किस वेलोसिटी से निकल रहा है स्पीड से निकल रहा है मान लो ये एरिया है ए ये एरिया है A, अब यहां से से ये स्पीड बाहर निकल रहा है तो टी टाइम में वीडी इंटू टी वीडी इंटू टी इतना लंबा लेंथ का जितना भी चार्ज होगा वो पूरा बाहर निकल चुका होगा <inaudible> है ना तो अब इतने चार्ज में इतने पूरी जगह में कितना चार्ज होगा ये पूरी जगह में कितना चार्ज होगा तो चार्ज कैसे निकालोगे चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा टोटल चार्ज ठीक है तो क्यों कितना वॉल्यूम कितना हो जाएगा? का क्या होता है एरिया ए इंटू हाइट वीडी एरिया इंटू वीडी इंटू टी ये आ गया वॉल्यूम वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करना है चार्ज डेंसिटी

तो Q by T क्या हम मेरा बन जाएगा N E A V D N E A V D और Q by T को क्या बोलते हैं अपन I तो I is equal to यहाँ I लिख दूँ I is equal to N E A V D तो V D की वैल्यू उस, वैल्यू कितनी आ गई देखो V D की वैल्यू आ गई आपकी I upon N E A और ये लगभग आती है कि वही मिलीमीटर में पर सेकंड में ठीक है। अरे किसी भी सिलेंडर का है, कोई भी सरफेस ऐसा सरफेस का है और एच हाइट तक है तो इसका वॉल्यूम आप ऐसे ही निकालोगे एरिया इनटू हाइट डायरेक्ट आपको एरिया वॉल्यूम आ जाएगा ठीक है बात समझ में आ गई क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है नेट नेट चार्ज की जो वेलोसिटी है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट जब हो रही है तो वो जो वेलोसिटी उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं एक्चुअल वेलोसिटी तो बहुत तेज है कहीं ना कहीं उधर बट जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड को अपन बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिश्ता क्या कहलाता है आई इज इक्वल टू एन ए वी डी और ये रिश्ता आपको याद रखना है ठीक है आई इज इक्वल टू एन ए वी डी आई इज इक्वल टू एन डी आई इज इक्वल टू डी वेरी गुड आगे बढ़े चलो एक छोटा सा टॉपिक है एक छोटा सा फॉर्मूला है बस याद रखना है और कुछ भी नहीं गए है ना देखो मोबिलिटी मतलब क्या कितना ज्यादा मूव हो सकता है कोई चीज है ना और मूव कराने वाला कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराने वाला कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देने में जितना ज्यादा भाग होगा मोबिलिटी उतनी ज्यादा भाग रहा होगा इलेक्ट्रॉन भाग मिलकर है है ना है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन दे रहे हैं ताकि वो धक्का मारे चार्ज को और चार्ज आगे जाना चालू करे उनकी वेलोसिटी तो मतलब थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में या पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना वेलोसिटी मिल रहा होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे मोबिलिटी समझ रहे हो इल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो धक्का दे रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने में तो बढ़ेगा ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो आपकी जो मोबिलिटी मतलब जो वो है वेलॉसिटी वो तो बढ़ेगी चार्ज की बट एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी है

अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम ये हो गया न्यूटन पर कूलम और वो मीटर पर सेकेंड अब न्यूटन भी क्या होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही होता है तो मीटर ने मीटर को मार दिया एक सेकंड एक सेकंड को मार दिया तो कूलम सेकंड पर के जी ये हो गई आपकी मोबिलिटी की यूनिट अगर कभी पूछ दे तो बाकी ऐसे अलग से नहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है निकाल लेना कभी भी अरे न्यूटन क्या होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जी मीटर पर सेकेंड अच्छा हाँ पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर में चला गया है ना अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब मीटर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है न्यूटन पर कूलम न्यूटन पर कुलम अब न्यूटन भी क्या होता है मास इन एक्सेलरेशन, एक्सेन के जी मीटर पर सेकेंड कट गया है ना एक मीटर एक मीटर कट गया तो कुलम सेकेंड पर के जी वैसे अगर इसको प्रॉपर यूनिट में लिखोगे तो कुलम को भी आप कनोट करोगे पहले यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े थे ना उसमें सबका निकाले ही हो सब चीज का चार्ज का भी निकाले हो कुलम का हो भैया होता है क्यू बाई टी तो कुलम पर सेकेंड कुलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर तो कुलम क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड और एम्पियर जो है ये फंडामेंटल यूनिट है तो इसके टम में आप लिख सकते हो तो फंडामेंटल अगर यूनिट आपको पूछेगा तो फंडामेंटल यूनिट में कुलम को भी क्या लिखना पड़ेगा एम्पियर सेकंड सेकंड इंटू सेकेंड पर जी तो एम्पियर पर जी प्रॉपर फंडामेंटल फंडामेंटलिट में आपका ठीक है याद रखेंगे बस आपको इतना ही याद रखना है भाइयों क्या याद रखना है मोबिलिटी मोबिलिटी क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट क्लियर यस सर नॉट क्लियर अच्छा हाँ ये तो पढ़ाना ही है अभी है ना अब देखो एक देखो बहुत आसान सवाल आता है बहुत ज्यादा आसान सवाल आता है जो आपका रेजिस्टर होता है है ना वो रेजिस्टर में चार कलर होते हैं और उन चार कलर को आपको देख करके आपको बताना होता है कि इसका रेजिस्टेंस टोटल कितना है और ये बहुत ही आसान सवाल है देखो कैसे करना है आपको बहुत आसान है ना आप रजिस्टर जो आपका होता है ये इस टाइप से होता है है ना हड्डी टाइप से बोल रहे थे यहाँ पर लोग इसको ठीक <laughs> है इस टाइप से रजिस्टर आपका होता है और ये रजिस्टर में चार कलर होते हैं और ये चारों कलर मिलके ये बताते हैं कि रेजिस्टर जो है वो कितना रेजिस्टेंस का है अब इसको जानने के लिए कलर कोड जाना जरूरी है अब सर कलर कोड याद कैसे रखे इतने सारे कलर का तो उसके लिए सिंपल सी बात याद रखनी है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ है ना yeah. ठीक है भले ही अपन को कोई मतलब नहीं है उससे लेकिन अपन को ये बात याद रखनी है क्या या बात याद रखनी है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ आप देखो इसको कैसे लिखोगे आप ऐसे बी बी रॉय है ना बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ़ ठीक है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ अब ये बी कौन सा है सबसे पहला बी ब्लैक फिर ब्राउन फिर रेड फिर ऑरेंज फिर येलो फिर ग्रीन फिर ब्लू फिर वॉलेट फिर एक ग्रीन हो चुका है ये ग्रे फिर वाइट ठीक है तो ये सारे कलर को इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है जिसके लिए मैंने आपको एक गाना बताया क्या गाना बताया? बी बी रॉय ऑफ ऑफ एक्स्ट्रा में आ जाएगा ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अलग से आ जाएगा हैज अ गुड वाइफ देखो ठीक है चलो तो आपको यहां पर ये बात याद रखनी है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ है ना ठीक है अच्छी बीबी थी उसकी सुंदर बीवी नहीं बोल रहा हूं मैं अच्छी बीवी थी है ना तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ तो कलर आपने याद रख लिया ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉलेट ग्रे और व्हाइट अब आपको खाली नंबर देने इसके आगे जीरो वन टू थ्री एट नाइन ठीक है फिर इसके आगे आपको फिर लिखना है टेन की पावर जीरो टेन की पावर वन टेन की पावर टू टेन की पावर थ्री टेन की पावर फोर टेन की पावर फाइव टेन की पावर सिक्स टेन की पावर सेवन टेन की पावर एट टेन की पावर नाइन ठीक है चलो और लास्ट में तीन कलर आपको और याद रखने हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल्ड सिल्वर फिर नो कलर अब बताओ ये बताएगा टॉलरेंस मतलब कितना आपका एरर हो सकता है तो गोल्ड मतलब भैया सबसे कम एरर पांच परसेंट क्या याद रखना है गोल्ड मतलब पांच परसेंट सिल्वर मतलब दस परसेंट और कोई कलर नहीं है मतलब बीस परसेंट बस एक आपने अगर ये याद रख लिया एक आपने ये याद रख लिया और एक बात और आपने याद रख ली कि भैया स्टार्टिंग के जो दो कलर हैं ये आपको नंबर्स बताते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स है ना सिग्निफिकेंट डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताएंगे स्टार्टिंग के जो दो कलर हैं सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट नंबर्स या डिजिट्स लिखना ज्यादा बेटर है सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन बताएंगे ये दोनों ठीक है सिग्निफिकेंट डिजिट्स मतलब ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये कौन से हैं ये दो कलर बताएंगे एग्जांपल के लिए मान लो अगर ये दो कलर हैं रेड और व्हाइट कौन सा है रेड और व्हाइट तो आपने बोला भैया रेड के लिए कितना है टू और व्हाइट के लिए नाइन तो ट्वेंटी नाइन ये दोनों मिलकर क्या नंबर बता रहे हैं ट्वेंटी नाइन बात समझ में आई स्टार्टिंग के जो दो कलर है वो क्या बताएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट क्या बताएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट अब उसके बाद देखो उसके बाद जो ये आपका कलर है ये आपको मल्टीप्लायर बताएगा क्या बताएगा मल्टीप्लायर मतलब इनमें से कौन सा चीज अब आगे मल्टीप्लाई करना है ठीक है जैसे मान लो मैंने बोला था रेड और व्हाइट अब उसके आगे ग्रीन है उसके आगे क्या है ग्रीन तो ये रेड और व्हाइट मिला के तो ट्वेंटी नाइन बन रहा था अब मल्टीप्लाई क्या करना है ग्रीन ग्रीन मतलब क्या है टेन की पावर फाइव अब मान लो मैं लास्ट वाला बोल रहा हूं ये आपका क्या है गोल्ड गोल्डन कलर है तो गोल्डन कलर क्या बता रहा है प्लस माइनस फाइव परसेंट वो बता रहा है एरर आपको कितनी हो सकती है पांच परसेंट की एरर इसमें हो सकती है और अगर आपने ये याद कर लिया भैया जेई मेंस में भी इसका सवाल इंपॉर्टेंट रहता है है ना प्रैक्टिकल बेस्ड है क्योंकि प्रैक्टिकली कलर ऐसे टाइप से दिए जाते हैं रेजिस्टेंस को है ना ताकि पहचान में आया जाए आ, आया पाए आप पहचान कर पाओ कि कितने रेजिस्टेंस का रेजिस्टर है इसीलिए तो बस आपको खाली क्या रखना है? है, है, है तो आपको जाएगा। उतना तो आप फिर लोगे। है ना? जी में ग्रीन आएगा बाद वाले जी में ग्रे आएगा बस और वो भी दो बार पढ़ लोगे तो अच्छी याद हो जाएगा और खाली देखना है और मल्टीप्लाई करके बताना है कि भाई इस रेजिस्टर का ये रेजिस्टेंस है बहुत सिंपल यस बहुत सिंपल है एकदम चलो 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 फिर ट्वेंटी फाइव मिनट का हो गया है आज के लिए इतना ही ये वीडियो को पॉज करके पूरे नोट्स बनाते रहना है ना नोट्स नहीं रहेंगे तो चैप्टर यहां से गया और यहां से बाहर तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाते रहना अच्छे से इस वीडियो को देख करके ये वीडियो अभी तुरंत मैं अपलोड कर दूंगा ठीक है चलो तो फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में लेकिन उससे पहले एक बात अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ठीक है फिर मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए सौरभ सर की क्लास जय हिंद बाय बाय टेक केयर शुभ रात्रि